Welcome to Tech Consultant. Today I bring you a documentary of Indian Science Space Program. In this video you will learn about the achievement of space agency ISRO in world. Today I discusses about the first space project and till date project achievement by ISRO, Indian Space Research Organization. As a creator, I am be proud that I am be an Indian. And such achievement is done by a prestigious organization. If you like the video, please like, share, comment on video, and if you till now not subscribe my channel, first you subscribe and that see the video, otherwise you forgot subscribing the channel as you start seeing the video. If I request PLS see the full video, you will not full detail of our ISRO achievement. अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्र समिति इनकोस्पार का गठन 1962 में किया गया था। डॉक्टर साराभाई जानते थे कि उपग्रह प्रणाली तैयार करने के लिए उपग्रह प्रमोचन प्रौद्योगिकी भी विकसित करना अनिवार्य है, इसलिए इसरो की पहली परियोजना के अंतर्गत थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स की स्थापना की गई। एक तैयार भवन की अनुपस्थिति के कारण डॉक्टर साराभाई ने एक छोटे से समुदाय को चर्च भवन को सुविधा केंद्र के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने के लिए मना सके। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम तब शुरू हुआ जब ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इस सुविधा से पहला साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे प्रमोचित किया गया। रॉकेट और उपग्रहों के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए 1965 में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र SSTC की स्थापना थुम्बा के पास वेली में की गई। भारत का पहला स्वदेशी साउंडिंग रॉकेट रोहिणी 75 20 नवंबर 1967 को थुम्बा से प्रमोचित किया गया। पहला प्रायोगिक उपचार संचार अर्थ स्टेशन ESCS भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए परीक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का गठन किया गया था। उपग्रह के माध्यम से विकास और शिक्षा के प्रसार के लिए भारत की पहली संचार उपग्रह प्रणाली ने टीवी कार्यक्रम कृषि दर्शन शुरू किया, एक ऐसा कार्यक्रम जिसने किसानों को फसल की उपज बढ़ाने की जानकारी दी। ग्रामीण आबादी के लिए शैक्षिक और विकासात्मक टेलीविजन कार्यक्रम के प्रसार में एक उपग्रह प्रणाली की प्रभावकारिता को साबित करने के लिए ISRO ने 1975 में महत्वाकांक्षी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट की शुरुआत की, जिसमें भारत के 2400 रिमोट विलेजेस को शामिल किया गया। साइट दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नो सोसाइटल प्रयोग बन गया। साइट से सीख लेकर एक कदम आगे बढ़ते हुए ISRO ने 1984 में खेड़ा ग्राम संचार परियोजना पर काम किया, जो अंतरिक्ष आधारित विकास संचार प्रयोगशाला साबित हुई। फिर आया वो वक्त जिसका देश को इंतजार था, पहला भारतीय अंतरिक्ष यान आर्यभट्टा ISRO की एक युवा टीम द्वारा विकसित किया गया था, जिसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को वे सभी पंख और जोश दिए जिनकी वास्तव में आवश्यकता थी। इसके बाद ISRO ने अपनी उन्नति के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जारी रखा। ISRO ने भारत के पहले प्रायोगिक भूस्थिर संचार उपग्रह एप्पल को परिभाषित करना शुरू किया। पहला इनसैट 1982 में प्रमोचित किया गया। संयोगवश उस समय एशियाई खेल भी चल रहे थे। 1992-99 के बीच ISRO ने दूसरी पीढ़ी के इनसैट उपग्रहों का विकास शुरू किया, जिसमें सी, विस्तृत सी, KU और एस बैंड ट्रांसपॉन्डर का संयोजन था। ISRO ने 2002 में मौसम संबंधी भूस्थैतिक उपग्रह कल्पना 1 का भी प्रमोचन किया, जिसके बाद इनसैट 3D और 3DR का भी प्रमोचन किया, जो संचार उपग्रहों में विश्व स्तरीय श्रृंखला माने जाते हैं। इन वर्षों में ISRO ने प्रायोगिक चरण, विकास चरण और परिचालन सेवाओं को सफलतापूर्वक पारित किया है और अब संचार
मौसम विज्ञान, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष और गहरे अंतरिक्ष विज्ञान और नेविगेशन उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। राष्ट्र के लिए परिचालन उपग्रह आधारित प्रणाली की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। एजुसैट चंद्रयान 1 भारत का पहला मिशन चंद्रमा के लिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन, एस्ट्रोसैट भारत का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन, स्वदेशी नेविगेशन कॉन्स्टेलेशन, हाई थ्रूपुट सैटेलाइट, तीसरी पीढ़ी के कार्टोसैट उपग्रह जैसी कुछ जटिल और चुनौतीपूर्ण मिशन है जिन्हें इसरो ने साकार किया है। दूसरी ओर उपग्रह का द्रव्यमान 37 किलोग्राम रोहिणी उपग्रह से बढ़कर 6 टन वर्ग जीसैट 11 उपग्रह हो गया है। ऑनबोर्ड शक्ति 40 वॉट से लगभग 15 से 20 किलो वॉट तक, जीबीपीएस तक की डेटा दर, बेहतर नियंत्रण और पॉइंटिंग सटीकता, और मिशन जीवन कुछ महीनों से बढ़कर 15 से 20 वर्ष तक हो गई है। प्रायोगिक चरण के दौरान एक रूढ़िवादी इंजीनियरिंग का पालन किया गया, लेकिन आज उपग्रह का संचालन एकल मॉडल पर आधारित है जो बस अवधारणा पर आधारित है। ऑन ऑर्बिट संचालन क्षमता की कुछ आसान ऑन ऑफ कमांड से ज्यादा जटिल हो गई है। अब उपग्रह के पास टाइम टैग और समूहीकृत आदेश भी होते हैं जो जटिल से जटिल मनूवर्स को भी बड़ी कुशलता से निभा लेते हैं। साथ ही स्पेसक्राफ्ट ऑटोनॉमी उपग्रहों को प्राप्त है। जहां तक उपग्रहों का नीत भार का संबंध है, नए नीत भार विकसित किए जा रहे हैं जो मिशन के उद्देश्यों को पूरा करेंगे। नीत भार डिजाइन में विभिन्न मापदंडों जैसे संकल्प, कवरेज, ऊंचाई, स्पेक्ट्रम, सिग्नल, डेटा दर, द्रव्यमान, आकार, शक्ति आदि में तकनीकी उन्नयन हुआ है। इसरो सहयोगात्मक प्रयासों में विश्वास करता है। यह उपप्रणालियों, निर्माण, संयोजन और परीक्षण गतिविधियों में उद्योगों को शामिल करता रहा है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम उपग्रह प्राप्ति गतिविधियों में इसरो का समर्थन कर रहे हैं। सभी प्रौद्योगिकियां अपनी सफलता को चिन्हित करती है यदि अंतिम उपयोग अच्छे के लिए है। टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन इसरो द्वारा शुरू किए गए दो प्रमुख सामाजिक अनुप्रयोग हैं, जो देश के सबसे दूर और एकांत क्षेत्रों जहां शिक्षा और स्वास्थ्य में डिजिटल विभाजन को खत्म करने का प्रयास है। कई अन्य प्रयोग आज इन संचार उपग्रहों के माध्यम से समर्थित है। डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसके जरिए टीवी ने सचमुच एक आम आदमी के घर में प्रवेश कर लिया है। 70 के दशक में रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम को विकसित करने की जिम्मेदारी भी इसरो के पास थी। इसकी शुरुआत प्रोफेसर पीआर पिशारडित ने प्रसिद्ध नारियल विल्ट रोग प्रयोग के साथ भारतीय रिमोट सेंसिंग की नींव रखी। प्रयोग से सीखे गए सबक ने भास्कर उपग्रह 1 और 2 का स्वरूप लिया, जिसमें 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन वाला टीवी कैमरा और माइक्रोवेव रेडियोमीटर समीर था। साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष, जमीन और अनुप्रयोगों के तीनों खंडों में काम किया। देश में रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों को चलाने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गई और उपयोगकर्ता एजेंसी के साथ साथ अनुप्रयोगों के व्यापक डोमेन विकसित किए गए थे। इस गतिविधि के परिणाम स्वरूप IRS 1A, 1B और 1C प्रमोचित किए गए। IRS 1C लगभग 5 मीटर रेजोल्यूशन वाला सबसे बेहतर सिविलियन सुदूर संवेदन उपग्रह था। IRS 1C ने विश्व स्तरीय इमेजरी बनाने के लिए एक अनूठी त्रिस्तरीय प्रतिबिंबन प्रणाली और पुश ब्रूम स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके बाद कई अन्य देशों ने यही तरीका अपनाया। लंबे समय तक संचालन के लिए अन्य देशों को IRS डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पूरी दुनिया में नए भूकेंद्र स्थापित किए गए। IRS श्रृंखला ने भूमि उपयोग, मानचित्रण, समुद्र विज्ञान
और जलवायु के क्षेत्र में अनुप्रयोगों में सुधार के लिए उपग्रहों की विषयगत श्रृंखला का मार्ग प्रशस्त किया। इन वर्षों में इसरो ने दृश्यमान शॉर्ट वेव इंफ्रारेड और विजिबल नियर इंफ्रारेड क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के संवेदक विकसित करने की कला को सिद्ध किया है। यह सिस्टम अंतरिक्ष आधारित पृथ्वी अवलोकन डेटा विभिन्न स्पेक्ट्रल बैंड्स, स्पेशल रेजोल्यूशंस और स्वॉट्स में प्रदान करता है। यह सिस्टम फसल उत्पादन का अनुमान, संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र, शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन और कई अन्य अनुप्रयोगों पर डेटा प्रदान करता है। शादनगर हैदराबाद में डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज सुविधा के साथ उच्च रेजोल्यूशन उपग्रहों से डेटा प्राप्त करने के लिए एक अत्याधुनिक ग्राउंड स्टेशन सुविधा स्थापित की गई है। इसरो के पास आज लगभग 40 वर्षों में एकत्र किए गए पृथ्वी अवलोकन डेटा का खजाना है। इसरो का भुवन पोर्टल एक लोकप्रिय वेब आधारित पोर्टल है जो अपने उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को 24/7 पूरा करता है। एक परिष्कृत निर्णय सहायता केंद्र DSC समन्वय अधिकारियों को सभी प्राकृतिक आपदाओं पर निगरानी, मानचित्रण और सूचना के प्रसार के लिए सिंगल विंडो डिलीवरी मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है। नगर नियोजन हो, आपदा प्रबंधन हो या आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी, इसरो ने आज सब पर अपना प्रभाव डाला है। समय में कुछ पीछे चलते हैं, जब उपग्रह विकास पर काम चल रहा था तब प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी और प्रक्षेपण सुविधा विकसित करने के लिए भी तेजी से प्रगति की गई थी। इसरो ने श्रीहरिकोटा द्वीप का चयन किया क्योंकि यह भूतुल्यकालिक और ध्रुवीय उपग्रह मिशन के लिए उपयुक्त पाया गया था। यह स्थान अक्टूबर 1971 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए एक स्पेस पोर्ट के रूप में परिचालित किया गया था। आज इसे अंतरिक्ष मिशनों के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर 1980 में स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 की पहली सफल उड़ान के साथ हासिल किया गया था, जिसमें 40 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी के निम्न भूकक्ष में स्थापित करने की क्षमता थी। इस सफलता के साथ समग्र वाहन डिजाइन, सामग्री, निर्माण, प्रणोदन, शक्ति, एवियोनिक्स, वाहन एकीकरण और प्रमोशन संचालन के लिए क्षमता का निर्माण किया गया। विकास तरल ईंधन इंजन को 1988 में इसरो द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया था। तभी से यह सभी प्रक्षेपण वाहनों का एक महत्वपूर्ण घटक है। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV की पहली सफल उड़ान ने जटिल मिशनों के लिए प्रक्षेपण यान डिजाइन की बारीकियों को सीखने का मार्ग प्रशस्त किया। 1994 में सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमोशन यान ध्रुवीय उपग्रह प्रमोशन यान PSLV वर्कहॉर्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। पिछले कुछ वर्षों में PSLV में कई तकनीकी उन्नयन भी किए गए हैं। यह कोर अलोन, सिक्स स्ट्रैप ऑन और एक्सेल संस्करणों में उपलब्ध है। यह विविध ध्रुवीय और भूतुल्यकालिक मिशनों के लिए एक बहुमुखी प्रमोशन यान है। इसने एक ही मिशन में कई उपग्रहों को प्रमोशित करने की अपनी क्षमता को भी सिद्ध किया है। ऊपरी चरण के इंजन को फिर से शुरू करने की इसकी क्षमता ने इसे एक ही मिशन में विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों को प्रमोशित करने में सक्षम बनाया है। एक्सेल संस्करण में PSLV निम्न भू कक्षा में 1.75 टन के निर्भार द्रव्यमान को प्रमोशित कर सकता है। PSLV ने चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसे ऐतिहासिक मिशनों को प्रमोशित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक मिशन में 104 उपग्रहों को प्रमोशित करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। इसने 34 देशों के 342 विदेशी उपग्रहों को प्रमोशित किए हैं। भूस्तर कक्षा में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इसरो ने भारी GSLV Mk2 और Mk3 वाहनों को विकसित किया। 2001 में GSLV रॉकेट की प्रारंभिक कुछ उड़ानें रूसी क्रायोजेनिक चरण में सुसज्जित थी। केंद्रित प्रयासों के परिणाम स्वरूप इसरो ने C-12 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को विकसित करने में सफलता अर्जित की
और स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV Mark II की पहली सफल उड़ान जनवरी 2014 में हुई, जब GSLV D5 ने GSAT-14 उपग्रह को प्रमोचित किया। GSLV अब एक प्रचालनशील यान है, जो 2 टन वर्ग के उपग्रहों को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में प्रमोचित करने में सक्षम है। हेवी लिफ्ट GSLV Mark III, जो लगभग 4 टन वर्ग के उपग्रहों को GTO में रखने में सक्षम, ने दिसंबर 2014 में अपनी पहली प्रायोगिक उपकक्षीय उड़ान भरी थी, जब 3,735 किलोग्राम कैर मॉड्यूल को 126 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया था। मॉड्यूल बाद में सुरक्षित रूप से अंडमान सागर के ऊपर उतरा और सफलतापूर्वक बरामद किया गया। GSLV Mark III D1 स्वदेशी C-25 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के साथ GSLV Mark III की पहली विकास उड़ान जून 2017 में हुई। यान द्वारा 3,136 किलोग्राम GSAT-19 अंतरिक्ष यान को GTO में सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। नवंबर 2018 में अपनी दूसरी विकासात्मक उड़ान में GSLV Mark III ने GSAT-29 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया और अब यह इसरो का एक प्रचालनशील प्रमोचन यान है। प्रगति के इस सफर में इसरो ने हमेशा डॉक्टर साराभाई के वह शब्दों को दायरे में रखा, जिनका मतलब था, एक बार जब हम खुद को अपने सामाजिक मुद्दों से निपटने में सहज पाते हैं, हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग कर सकते हैं सीमाओं से परे का पता लगाने के लिए, मानवता की भलाई के लिए। 13 साल पूर्व 2008 में इसरो ने चंद्रयान-1 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया था। यह पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर भारत का पहला मिशन था और इस तरह इसरो के अंतरिक्ष मिशन के नए युग की शुरुआत हुई। चंद्रयान-1 में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 नीम भार थे। चंद्रयान-1 ने चंद्र जल योजना और ध्रुवीय क्षेत्र की ओर उसकी बढ़ती हुई प्रचुरता की खोज की और चंद्र वातावरण में अन्य आणविक पदार्थों के साथ पानी के अणुओं की संभावित उपस्थिति का संकेत दिया। जब चंद्रयान-1 का मून इंपैक्ट प्रोब चंद्रमा पर उतरा, तब इसरो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को चंद्र सतह पर फहरा सका। मार्स ऑर्बिटर मिशन को 2013 में प्रक्षेपित किया गया और इसने मंगल की कक्षा में 7 साल पूरे कर लिए हैं। इसमें 5 विज्ञान पेलोड हैं, जो सभी भारत में निर्मित हैं। मिशन ने मंगल ग्रह का वैश्विक अल्बेडो मानचित्र तैयार किया है। डेटा सेट का उपयोग सतह, वायुमंडल, ध्रुव और मंगल की चंद्रमा, फोबोस और डीमोस के अध्ययन के लिए भी किया गया था। एस्ट्रोसैट को 2015 में प्रक्षेपित किया गया और इसने कक्षा में 6 साल पूरे किए हैं। एस्ट्रोसैट में 5 विज्ञान पेलोड है, जो सभी भारत में निर्मित है। यह एक ही मंच से एक साथ कई तरंग दैर्ध्य में ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला भारत का पहला खगोलीय उद्यम है। इसने गामा रे बर्स्ट का अवलोकन किया और पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर AUDFS-01 नामक एक आकाशगंगा से अत्यधिक यूवी प्रकाश का भी पता लगाया। इसने एक आकाशगंगा समूह ABLE-2256 को देखा, जिसमें 100 से 1000 आकाशगंगाएं थी, जो ब्रह्मांड में सबसे विशाल गुरुत्वाकर्षण बद्ध संरचनाओं में से एक है। चंद्रयान-2 को 2019 में प्रक्षेपित किया गया और ऑर्बिटर में कुल 8 पेलोड है, जो सभी भारत में बने हैं। इसने चंद्रमा के चारों ओर 2 साल पूरे कर लिए हैं और खनिज और पानी के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान कर रहा है। यह हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करने में सक्षम है। चंद्रयान-1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एस्ट्रोसैट और चंद्रयान-2 के डेटा का अभिगम भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा केंद्र बेंगलुरु से किया जा सकता है, जो वैज्ञानिक और आउटरीच उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है। आधुनिक समय में अपना रास्ता भटक जाना लगभग असंभव सा है। इसके लिए हम उपग्रह नौवहन के आभारी हैं,
चाहे आप पृथ्वी पर कहीं भी हो, बस कुछ ही पलों में आपकी स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, जिसे अब भारतीय उपग्रह समूह नौवहन या नाविक कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीपों के उपयोगकर्ताओं को 24/7 सभी मौसमों में 1500 किलोमीटर के दायरे में सटीक स्थिति प्रदान करता है, जो 20 मीटर से बेहतर होने की उम्मीद है और समय सटीकता 40 नैनोसेकंड से बेहतर होने की उम्मीद है। किसी भी अन्य उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की तरह नाविक में भी तीन भाग है, अंतरिक्ष खंड, जमीनी खंड और उपयोगकर्ता खंड। नाविक के अंतरिक्ष खंड में 7 उपग्रहों का एक नेटवर्क निहित होता है, जिसमें परमाणु घड़ियों के साथ साथ उनके डाउनलिंक संकेत भी होते हैं। भूखंड में IRNSS अंतरिक्ष यान नियंत्रण सुविधा शामिल है, जो नाविक उपग्रह समूह एवं इसरो नौवहन केंद्र और इससे जुड़ी सुविधाओं को बनाए रखता है, जो उपग्रहों द्वारा प्रसारित स्थिति, नौवहन और टाइमिंग डेटा की सुविधा प्रदान करते हैं। उपयोगकर्ता खंड में एक रिसीविंग डिवाइस उपयोगकर्ता अपने पास रखते हैं। इन तीनों का संयोजन पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की सटीक स्थिति या पृथ्वी या वायुमंडल में गतिमान वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। MCF, ISTRAC, SHAR जैसे सभी इसरो नेटवर्क अब नेटवर्क समय तुल्यकालन, उपग्रह प्रक्षेपण और अनुवर्तन प्रचालन के लिए नाविक अभिग्रहियों का उपयोग करते हैं। पावर ग्रिड नियंत्रण, अनुप्रयोग के मापन और मॉनिटरिंग के लिए अब 5 राष्ट्रीय पावर ग्रिड स्थल नाविक अभिग्राही के साथ संस्थापित किए गए हैं। वह दिन दूर नहीं जब पूरा देश भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नाविक का प्रयोग करेंगे। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में इसरो गगनयान परियोजना के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। इस परियोजना में भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है, जहां वे 5 दिनों तक रहेंगे, प्रयोग करेंगे और फिर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद मनुष्यों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला 4th देश होगा। इस मिशन की तैयारी 2007 में शुरू हुई, जब इसरो ने अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग का सफलतापूर्वक संपादन किया। इसके बाद 2014 में केयर मिशन का संपादन किया गया। 2018 में पुनः आपात स्थिति के मामले में मानव चालक दल बचाव प्रणाली को प्रदर्शित करने के लिए एक पैड अबॉर्ट परीक्षण किया गया था। LVM-3X केयर मिशन को उपकक्षीय स्तर पर क्रू मॉड्यूल की तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए प्रमोशित किया गया था। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, सुरक्षा तथा विश्वसनीयता स्थापन और विभिन्न प्रणालियों के प्रदर्शन का अध्ययन करने के लिए शुरू में 2 क्रू रहित मिशन भेजने की योजना है। वास्तविक समानव मिशन में वापसी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला कैप्स्यूल अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में उतरेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन है, जिसका उद्देश्य सौर कोरोना और सूर्य की बाहरी परतों का निरीक्षण करना है। इसे 2022 की तीसरी तिमाही में एक्सेल संरूपण में ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान PSLV का उपयोग करके प्रमोचित किया जाएगा। उपग्रह को लेग्रेज बिंदु 1 L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेग्रेज बिंदु वह जगह है जहां उपग्रह पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। यह उपग्रह को कक्षा में बनाए रखने के लिए एक आवश्यक संतुलन बिंदु निर्मित करता है। हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष यान को इस बिंदु पर पार किया गया है ताकि यह अवलोकन करने में सक्षम हो सके। विंग रीयूजेबल प्रमोशन यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLV-TD एक अंतरिक्ष विमान है जो एक विंग री एंट्री एरोस्पेस व्हीकल के समग्र मिशन प्रबंधन हेतु एक उड़ान परीक्षण बेड के रूप में कार्य करेगा। RLV-TD नामक यह तकनीकी चमत्कार पूरी तरह से रीयूजेबल भारतीय अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों का उपयोग करके अंतरिक्ष तक कम लागत की पहुंच के लिए नए मोर्चे और रास्ते खोलेगा।
इसरो ने 112 अंतरिक्षयान मिशन को सफलतापूर्वक प्रमोशित किया है और 82 प्रमोशन मिशनों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। यह सफलता 24 घंटे चलने वाले टीवी चैनलों के प्रसारण, अपने प्रियजनों से एक बटन भर को दबाने से बात होने एवं किसी आपदा से बचाए जाने और देश भर में कुल फसल पैदावार की जानकारी हासिल होने के रूप में साकार हुई। इसरो संचार, भू प्रक्षेपण, नौवहन और अंतरिक्ष विज्ञान मिशन में 30 अनुमोदित उपग्रह परियोजनाओं पर काम कर रहा है। यह अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहीय अन्वेषणाओं को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा दृढ़, स्थिर और प्रतिबद्ध है। हमारे समाज के निरंतर विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों और विस्तारों के साथ अनदेखे क्षेत्रों की खोज जारी रहेगी। यह हमें डॉक्टर विक्रम साराभाई के उन सुनहरे शब्दों की याद दिलाती है जिन्हें उन्होंने लगभग 55 साल पहले एक स्कूल बोर्ड पर अंकित किया था। In my opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about. Thanks for watching video. Technology brings you several more science-related video, job-oriented, new technology. Friend like, share and comment on your valuable opinion so I can do more video on such topic. And if you till not subscribe, subscribe the channel and press the bell icon so you get notification of my future video.